और शिष्य के अटूट व पवित्र रिश्ते का पर्व गुरु पूर्णिमा शुक्रवार को जिले भर में श्रद्धा के साथ मनाया गया। पारोपर पर थार नगरी में गुरु महिमा की सरिता बहती नजर आई। शहर के विभिन्न मठों और मंदिरों में पूरे दिन गुरु की पूजा करने और आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यहां दिन भर भजन सत्संग सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चौहटन शिव गुड़ामलानी सहित जिले भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु गोविंद दोऊं खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से भी बड़े गुरु की महिमा में गुरु पूर्णिमा का पर्व शुक्रवार को पूरी थार नगरी में आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शहर सहित जिले भर में मठों व मंदिरों में दिन भर मेले सा माहौल रहा। यहां पहुंचे श्रद्धालु शिष्यों ने दिन भर गुरु वंदना कर अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और अंधकार से प्रकाश की ओर का मार्ग प्रशस्त करवाने के साथ सद्बुद्धि देने की उपासना अपने गुरु गोविंद से की। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शहर के जसदेव धाम पर तारातारा महंत स्वामी प्रतापपुरी की निशरा में मेले का आगाज हुआ। मेले का श्री गणेश ब्रह्मलीन महंत मालानी के महादेव श्री मोहनपुरी जी महाराज की प्रतिमा की आरती उतार कर उनके चरणों में वंदन कर किया गया। साथ ही शिष्यों ने गुरु प्रतापपुरी से आशीर्वाद लिया। वहीं गंगागिरी मठ में भरे मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मठ प्रांगण में भगवान दत्तात्रेय मंदिर के साथ अपने गुरु व संत महात्माओं की समाधियों पर धूप दी। साथ ही गंगागिरी मठ महंत व गुरुवर स्वामी खुशालगिरी महाराज के चरण वंदन कर उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही कई नए शिष्यों ने गुरु खुशालगिरी महाराज से दीक्षा भी ली। वहीं गुड़ामलानी के रत्नपुरा स्थित भोलागिरी महाराज मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा मेले का आयोजन। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने निज मंदिर के दर्शन कर गुरु व गादीपति सुंदरगिरी महाराज की वंदना कर उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही गादीपति सुंदरगिरी महाराज ने शिष्यों व श्रद्धालुओं को सनातन धर्म की परंपरा अनुसार गुरु व गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया। वहीं चौहटन कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नव आगंतुक छात्रों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए उनका कुमकुम तिलक लगाकर मौली बांधकर स्वागत कर अध्ययन क्षेत्र में प्रगति की शुभकामनाएं दी गयी।